हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जियो रसायन चैप्टर में अपन बात कर रहे थे लिपिड के बारे में। आज लिपिड की दूसरी क्लास है जिसमें अपन अध्ययन करेंगे सरल लिपिड की रासायनिक संरचना। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, सरल लिपिड की रासायनिक संरचना। क्लियर? आप देखिए, सरल लिपिड अपने पास में दो प्रकार की थी, प्राकृतिक तेल एवं वसा। दूसरा प्रकार था मोम। तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर एक जो होगा कौन सा, तेल एवं वसा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे अपन, तेल एवं वसा के बारे में। क्लियर? अब अपन बात करें तेल और वसा। अब अपन पहले इसमें कह चुके हैं कि ये अल्कोहल और वसीय अम्ल के क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ट्राइग्लिसराइड होते हैं, राइट? अल्कोहल और वसीय अम्ल के ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिसमें जो वसीय अम्ल होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? संतृप्त और असंतृप्त रूप में पाए जाते हैं। देखिए बेटा, एल्कोहल तो कौन सा है आपका, ग्लिसरॉल। कौन सा है? ग्लिसरॉल। क्लियर? प्लस जो वसीय अम्ल होते हैं, जो वसीय अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, कौन से, संतृप्त और दूसरे असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्ल कौन से होंगे, संतृप्त और असंतृप्त। सब जानते हो संतृप्त का मतलब होता है आपका एकल बंध वाले, और असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल कौन से होंगे, जिनमें एकल बंध होंगे। असंतृप्त कौन से होंगे, जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा। क्लियर? और वसीय अम्लों में जो कार्बन परमाणु होते हैं, वसीय अम्लों में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सम संख्या में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सम संख्या में होते हैं। क्लियर? अब यहां पर मैं बात करूंगा संतृप्त वसीय अम्ल, इसकी बात करूंगा मैं संतृप्त वसीय अम्लों की। तो इसमें कौन कौन सा होगा आपका, एक तो होगा पामेटिक अम्ल। कौन सा होगा? पामेटिक अम्ल, C15H31CWH। ठीक है, दूसरा होगा आपका स्टेरिक अम्ल। कौन सा होगा बेटा? स्टेरिक अम्ल, C17H35CWH। ये दोनों क्या है, संतृप्त वसीय अम्ल है। पामेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल दोनों क्या है आपके, संतृप्त वसीय अम्ल है। देखिए C15H31CWH और C17H35CWH। अब बात आती है किसकी, असंतृप्त अम्ल। इसकी बात आती है असंतृप्त अम्ल। क्लियर? असंतृप्त अम्ल में आपके पास में एक तो होता है ओलिक अम्ल। कौन सा होता है? ओलिक अम्ल, जिसमें एक द्विबंध होता है। एक क्या होता है? द्विबंध। इसका सूत्र होगा C17H31CWH। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लिनोलिक
कौन सा है? लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल। इसमें क्या होंगे? दो द्युगंध होंगे। क्या होंगे? दो द्युगंध। इसका फॉर्मूला है C17H31COH। क्लियर। और तीसरा अपने पास में आएगा लिनोलेनिक। कौन सा? लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल। सूत्र आएगा C17H29COH। इसमें क्या होंगे? तीन द्विबंध होंगे। क्या होंगे? तीन द्विबंध होंगे। C17H29COH में क्या होंगे? तीन द्विबंध होंगे। क्लियर। लिनोलेनिक अम्ल तीन द्विबंध, लिनोलिक अम्ल दो द्विबंध C17H31, और ओलिक अम्ल एक द्विबंध C17H33COH। संतृप्त एकलबंध वाले पामेटिक अम्ल C15H31COH, स्टेरिक अम्ल C17H35COH। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? ग्लिसरॉल की संरचना देख लो आप, CH2OH, CHOH और CH2OH। क्या है ये? ग्लिसरॉल। क्या है बताइए? ग्लिसरॉल। क्लियर? विदाउट है। सामान्यतः कहा जाता है कि तेल वसा क्या होते हैं? एल्कोहल और वसे अम्ल के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब देखिए, इस तरह से आपको एक सामान्य, मतलब जो सभी पे लागू होता है, इसी बात कर रहा हूं मैं, सामान्य ट्राइग्लिसराइड की संरचना, सामान्य ट्राई ग्लिसरॉइड की संरचना कैसे? CH2OH, CHOH और ये CH2OH। क्या है ये? ग्लिसरॉइड। क्या है ये? ग्लिसरॉइड प्लस। इसकी बात करेंगे R C double bond O H। अब ये R आपके 15 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, और भी जैसे आपके अम्ल कामिल नहीं है। इसे R क्या है? कार्बन श्रृंखला। हर क्या बेटा? कार्बन श्रृंखला। क्लियर। अब यहां पर इसकी क्रिया होगी, तो देखो इधर, यहां से क्या होगा? जल काणु बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? जल काणु बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है? वसीय अम्ल। क्या बेटा? ये वसीय अम्ल। क्लियर। अब यहां पर देखो CH2O C double bond O R CH2O C double bond O R double S। ये क्या बन गया आपका? ट्राई एस्टर। इसको अपन क्या नाम देंगे? ट्राई ग्लिसरॉइड। Triglyceride plus 3H2। कहां से निकले? देखो ये OH और ये H, ये OH और ये H, ये OH और ये बाहर निकल गए। और अपने पास में क्या मिल गया? ट्राइएस्टर ट्राइग्लिसराइड। एक सामान्य संरचना होगी आपकी, R जैसा रखेंगे
उसी के अनुसार अपने पास में क्या बन जाएगा, वसी अम्ल हो जाएगा। क्लियर। इसी आधार पर अब यहां पर अपन क्या बात करेंगे कि वसा व तेल में, क्वेश्चन बन जाता है वसा व तेल में क्या कीजिए आप, अंतर कीजिए। वसा व तेल में क्या कीजिए, अंतर कीजिए। देखिए वसा व तेल में अंतर, वसा क्या है आपके संतृप्त वसीय प्लस ग्रीष्म, तेल क्या है असंतृप्त वसीय अम्ल प्लस ग्रीष्म। वसा जो है संतृप्त वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, ट्राइएस्टर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जबकि तेल असंतृप्त वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर ट्राइग्लिसराइड होते हैं। वसा क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं। वसा क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं। तेल क्या है, द्रव अवस्था में होते हैं। क्लियर। इसकी संरचना ठोस क्यों है, क्योंकि यहां पर एकल बंध पाया जाता है। जो चतुष्फल की संरचना है कार्बन की एकल बंध के कारण, उसमें क्या होता है, संकुलन ज्यादा होता है। क्या होता है, संकुलन मतलब पास पास, संकुलन मतलब पास पास। यहां पर संकुलन क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये द्रव है और ये ठोस है। एकल बंध के कारण हर कार्बन क्या है, चतुष्फल के रूप, संकुलन ज्यादा इसलिए ठोस, संकुलन कम द्विबंध की उपस्थिति है इसलिए द्रव। तो आपको देखा होगा ठोस में क्या होता है, कण पास पास होते हैं, द्रव में क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं, कारण वही है पास। वसा और तेल में। क्लियर। लास्ट आपका सेकंड पार्ट आता है किसके बारे में, मोम के बारे में। इसके बारे में मोम के बारे में, मोम क्या होती है सबको पता है, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त या असंतृप्त दोनों, ध्यान देना बच्चे, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त या असंतृप्त। क्लियर। लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त या असंतृप्त वसीय अम्ल, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्लस एल्कोहल। क्लियर। लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त या असंतृप्त वसीय अम्ल तथा एल्कोहल, और एल्कोहल भी क्यों, कौन से होंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे, वो भी क्या होंगे, लंबी श्रृंखला वाले, क्या बनाएंगे, ट्राइएस्टर बनाएंगे। क्लियर। इनमें कार्बन की संख्या 14 से 36 हो सकती है। क्लियर। और जो मोम है वो आपके सेरिन एल्कोहल तथा माइस्टिक, जो मोम है उसका उदाहरण ले अपन, कौन सा, मधुमक्खी का मोम, वो जो बनता है वो सेरिल एल्कोहल, इसकी बात करेंगे अपन, सेरिल एल्कोहल प्लस माइरिस्टिक, माइरिस्टिक अम्ल के क्या होंगे, ट्राइएस्टर होंगे, क्या होंगे बेटा, ट्राइएस्टर होंगे। क्लियर। इस तरह से अपन यहां पर वसा व तेल
तथा मोम की रासायनिक संरचना पूरी कंप्लीट अपन ने डिस्कस कर ली। लास्ट टॉपिक बचता है अपना कौन सा, लिपिड के जैविक कार्य। कौन से कार्य है? लिपिड के जैविक कार्य। जितने भी लिपिड के जैविक कार्य हैं वो किससे संबंधित होते हैं? ऊर्जा से संबंधित होते हैं, क्योंकि लिपिड मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत होता है। इस क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।